हेलो पाइसेस, सो 2024 फेब्रुवरी कैसा जाने वाला है आप लोग के लिए, जानेंगे हम टैरो कार्ड से। उसी के साथ साथ अगर आप अपने जीवन में मंथली अपडेट्स चाहते हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअल रेमेडीज, मैनिफेस्टेशन टिप्स एंड वास्तु फेंगशुई टिप्स, ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकें, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सिर्फ 230 रुपीज़ में आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और मंथली बेसिस जो भी मुझे गाइडेड मैसेजेस आएंगे, आपको क्या भेजना है क्या नहीं, सो इंट्यूटिवली जो भी मैसेजेस आई विल फील आपके साथ में, वो रेमेडीज़ या वो मैनिफेस्टेशन टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, ताकि आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करके बेहतर बना सको। ठीक है, सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स आती रहेंगी। सो यस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। क्या मैसेजेस हैं, ओके। सो यहाँ पर अब क्या कार्ड्स हैं, सबसे पहला कार्ड है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द लवर्स, अमेजिंग। सो मंथ की शुरुआत बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बिकॉज़ यहाँ पर रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन है, यहाँ पर एक अच्छी एनर्जीज है, अच्छी वाइब है, अच्छी पॉजिटिविटी है। जितने भी लोग रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन या जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस ग्रोथ के लिए देख रहे हो, आइडियाज़, एजुकेशन, एग्ज़ाम, अमेजिंग। 1 फरवरी से लेकर अराउंड 12 फरवरी तक फेवरेबल टाइम रहेगा, 15 भी आप पकड़ सकते हो, अच्छा समय है। अब मिड फरवरी में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी को लेकर और इन जनरल लाइफ के पर्सपेक्टिव को लेकर, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया और द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 5 नंबर के कार्ड्स हैं, और दोनों ये इंडिकेट करते हैं कि आपको लग सकता है कि यार घर में भी ड्रामे हो रहे हैं, पैसे का भी समझ में नहीं आ रहा है और पैसे कमाने बट समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा ना काम का प्रेशर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि एकदम ही आपका सबको लूट जाएगा, नहीं, पर थोड़ा सा चीज़ों का प्रेशर है। ओके, ये वाइब एंड ये एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। सो मिड मंथ में मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, शांत रहिएगा, एंड ये जब, क्योंकि टेम्पररी है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखो द 9 ऑफ वॉन्ड्स के कारण है विद द मैजिशियन, अब आपकी एनर्जी चेंज होती हुई दिख रही है बाय द एंड ऑफ द मंथ। Why? Because यहाँ पर जो 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं ना, एक कम्प्लीटली आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपने पास्ट में फेलियर या कुछ एक्सपीरियंस किया, एंड आपने नो कहते हैं ना किसी प्रकार का लॉस एक्सपीरियंस किया, अब आप उससे सीख गए हो, समझ गए हो, आप कुछ नया करना चाहते हो, आप रिस्क लेने के लिए अब तैयार हो। जबकि आपका मन थोड़ा डरेगा कि यार करूँ कि नहीं करूँ, बट कार्ड्स कह रहे हैं कि एंड ऑफ द मंथ में गो अहेड। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको कंप्लीट सपोर्ट करेगा टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम। मैं क्यों कह रही हूँ ये, बिकॉज द मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल और मैजिकल कार्ड माना जाता है कि आपकी एनर्जी जहाँ केंद्रित करोगे ब्रह्मांड में, जैसे शब्द आप बोलोगे, जैसी सोच आप रखोगे वो आप मैनिफेस्ट करोगे, वो आप अट्रैक्ट करोगे, तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव एनर्जीज देखी जा रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सो ये एक पावरफुल एनर्जी है। मिड मंथ ऑफ कोर्स स्लो है, मिड मंथ में मुझे कोई खास इवेंट नहीं दिख रहे। इनफैक्ट मिड मंथ में आप जितना पेशेंस, ज़रूरी नहीं कि सारे ये नेगेटिव एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए न्यूट्रल बीत जाएगा, कुछ लोग जो एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी मैं बता रही हूँ, आगे डिवाइन कार्ड्स भी मैं पहले देख लूँ, बट स्टार्ट और एंडिंग अच्छी है तो टेंशन मत लीजिए, स्टार्ट और एंडिंग में स्ट्रेंथ है। यहाँ पर कार्ड्स हैं प्लांटिंग सीड्स। कहीं ना कहीं नो शायद से आपने कोई काम में, कोई जगह पर, कोई सोच आपकी ऐसी, आपने कहीं पर मान लो जॉब शुरू किया या कुछ बिजनेस शुरू किया, उसमें आपने बस बीज बोया ही है,
रिजल्ट आने का वेट करो, मे बी आप इम्पेशेंट हो रहे हो मिड मंथ में ना, ध्यान रखना कि आप बड़े इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको बड़ी यू नो एक चिड़चिड़ापन हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, कि आपने कुछ अपना गोल सेट किया था और आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप परेशान हो रहे हो, बट इन रियलिटी सब कुछ शायद ठीक ही चल रहा हो। जो उस पल में जहाँ पर भी आप हो वो खुशी आप ढूंढे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का बर्डन अपने ऊपर लेकर अपने आज के पलों को ख़राब ना करें, ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। लिसनिंग विद योर हार्ट, जो आपका इंट्यूशन आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, ये एंजल यू नो उसके दिल को मैसेजेस दे रही है, उसकी गट फीलिंग तक और उस तक सिग्नल पहुँच रहा है। सो आई थिंक लाइट पड़ रही, शायद दिख नहीं रहा, ये वो प्रकार का मैसेज है। सो ऑफकोर्स यूनिवर्स आपको कह, आपके गट फीलिंग, आपके इंट्यूशन, आपके दिल के मैसेजेस के रूपों में आपको गाइडेंस देते हैं एंजल्स, यूनिवर्स, यू नो हमें कहते हैं ना, हमें एक इनर कॉलिंग आ रही है, हमारा मन बोल रहा है कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है, हमारा मन बोल रहा है हमारे साथ यू नो कुछ सही नहीं होने वाला है। सो ये सब हमारा मन बोलता है ना, हमारी गट फीलिंग, और ये गट फीलिंग कहाँ से आती है, यूनिवर्स से, डिवाइन कनेक्शन से, बिकॉज ऑन दी एनर्जी लेवल हम सब कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो ये वो मैसेजेस आपको देना चाहते हैं कि ट्रस्ट करो। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, शायद से आपकी ओवर थिंकिंग आपको ज़्यादा परेशान करेगी मिड मंथ में। सो आपका ओवर गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, ओवर थिंकिंग भी नहीं। इस टाइम पर आप पेशेंस रखिएगा, चिड़चिड़ापन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी इस समय में मदद करेंगी। सो यस, बाकी एजुकेशन वाइज इट्स गुड, काम के हिसाब से भी अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हाँ, मिड मंथ में हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है, सो आप अच्छा कोप अप कर पाओगे सारी सिचुएशन से एंड चीज़ों से। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत है तो सब कुछ है, ठीक है। तो किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पे, किसी भी इंसान की वजह से अपनी हेल्थ को मत कॉम्प्रोमाइज़ किया करो। यू नो मैंने बहुत बार देखा है, नो आई नो समटाइम्स सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि जेन्युइनली यू फील लाइक यू नो कम्प्लीटली लॉस्ट, आई नो, बट यू नो अगर आपके पास अवेयरनेस है, आप अवेयर हो कि यार कभी भी जीवन में किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि आप अपनी सेहत उसके लिए ख़राब करने लग जाओ। यू नो आपकी सेहत सबसे 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 ऊपर, सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो खुश रहिए, यू नो हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हो तो सब मंगल कार्य हो जाते हैं, चिंता मत कीजिए। सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।